రక్తంతో నించొని మేము ఇంత వేసుకొని ఇది ఇది పెట్టుకుంటే ఈడ ఏ ఎక్కడికి పోయి మేము ఒకటి వేసామని మా ముందు ఇట్లా నించొని ये एक नहीं भैया, ये ऐसा बार बार हो रहा है। सारे भारत देश को एक बात आज जानना पड़ेगा, जिस राहुल गांधी ने कहा था, शक्ति कहाँ है, कैका शक्ति है, क्या शक्ति है। शायद मेरे हिसाब से रेवंत रेड्डी जी अपने बॉस का बहुत अच्छी तरह से खिदमत कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस का प्रशासन चल रहा है, देखिए तो सही, एक बार ने रक्षापुरम में तोड़ दिया माता रानी का मंदिर। और मैंने एंडोमेंट्स को 2 महीने पहले जब वो टूट गया था, तब मैंने खत लिखा था, एक लेटर भी जाई थी मैंने एंडोमेंट्स मिनिस्टर के लिए कि साहब कृपया कर इसके ऊपर आप तुरंत एक ऐसा काम करने आगे बढ़ जाइए ताकि यह मंदिर पुनः प्रतिष्ठापित हो जाए, और कितना फंड्स आप देना चाह रहे हैं कृपया कहिए। आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और दूसरी बात, कल 2 दिन पहले नामपल्ली के एग्जीबिशन ग्राउंड्स में भी जिस माता रानी को बिठाकर पूजा हुआ था, हाथ तोड़कर माता रानी को विवस्त्र कर, सुनिए आप, बोलने में भी ऐसा लग रहा कि मेरा एक एक नस को कोई काट रहा है। लेकिन दिक्कत और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमको कहना पड़ रहा है बात, माता रानी को विवस्त्र कर सारा उलझ कर दहशत मचाकर उन्होंने वहां पे गया। और खूबसूरत की बात तो ये, हर वक्त जिसने भी क्या हुआ रहता है ना राजनीति में, ऐसा ही एक इनके पास शतरंज खेलते हैं ये लोग कि पागल तो भी होता है इंसान, अंधा तो भी होता है, अनाथ तो भी होता है, लंगड़ा तो भी होता है, बुद्धिहीन तो भी होता है, ड्रग एडिक्ट तो भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम उंगली उठा रहे प्रशासन के ऊपर और हम उंगली उठा रहे पुलिस के ऊपर, लेकिन मैं कहती हूँ उंगली अपने हिंदुओं पे उठना चाहिए, इंगली अपने हिंदुओं पे उठना चाहिए। क्योंकि मैं जब रक्षापुरम पहुंची थी जहां पे मंदिर तोड़ा गया था, माता रानी को तोड़ा गया था, रात के 6:30 बजे तक बिना एक बूंद पानी पिए मैं जप में बैठकर इसी बात पर बैठी थी कि मैं मर भी जाऊंगी लेकिन जिस किसने भी ये किया है यहाँ पे उसको लेके आना है। लेकिन अपने हिंदू राजी हो गए थे पुलिस के साथ बैठकर। आज मैं खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, डर नहीं है मुझे बात बताने के लिए। राजनीति के पीछे चलने वाले ये जो लोमड़ी है ना, ये सारे लोग मिल गए थे, पैसे खा लिए थे वहां का, वहां मुझे भगा दिए थे वहां से। तो मैं फिर बता रही हूं, कल नामपल्ली में भी यही तो हुआ है ना, मैंने जाके नामपल्ली के एग्जीबिशन ग्राउंड्स के कमिटी से एक मांग की थी कि यहां पे मंदिर बना देंगे, हाथ तोड़ने वाले का ऐसा हाथ तोड़ मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे कि यहां माता रानी का मंदिर बनाएंगे, आप सिर्फ जगह दीजिए, भीख मंगकर चंदा उठाकर मैं मंदिर खड़ा करूंगी यहां पर, भारत माता की, वहां पे भी ऐसे राजनीति के चंद लोग आ गए, नारा लगा दिए, अपने अपने आपस में बात एक कर लिए, वहां से निकल गए। और आज करेक्ट नारा दिया खंडसल, आज मैं यहाँ पर मुत्याल अम्मा के मंदिर सिकंदराबाद, अम्मा आज मैं इधर आई हूँ मुत्याल अम्मा मंदिर सिकंदराबाद, बगल में पासपोर्ट ऑफिस है। किसका इतना दम है पासपोर्ट ऑफिस को पार कर कोई आकर यहाँ पर माता रानी को तोड़े। लेकिन आज मैं फिर से कह रही हूँ, आज मैं यहाँ बैठूंगी, वो चाहे एक दिन हो, 2 दिन हो, नवरात्रि इधर ही में क्यों ना कर पाए, 40 दिन भी हो जाने दो, जब तक अंधे बहरे पागल को नहीं, जिस किसी ने भी क्या उसको यहाँ पे लेके आना है, कड़ी से कड़ी सजा देना है। एंडोमेंट्स को अब की बार यहाँ पे इतना बड़ा फंड देना है कि दुनिया में किसी ने नहीं देखा ऐसा माता रानी का मंदिर यहां से फिर पुनस्थापित हो जाना चाहिए। तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी और नहीं हिलूंगी। अब की बार मेरा विनती है सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, आप मुझे अरेस्ट भी कर लीजिए, अब की बार आपके बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। जय बोलो भारत माता की।